नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्सेना आप लोग के साथ एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि कोरोना वायरस संक्रमण इतना तेजी से फैल रहा था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस पर रोक लगी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आने वाले 3 महीने चुनौतीपूर्ण रहेंगे। अगर इन 3 महीनों में किसी ने भी लापरवाही बरती तो कोरोना वायरस एक बार फिर से देश में फैलता हुआ नजर आएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के लिहाज से अगले 3 महीने चुनौती भरे हो सकते हैं, इसलिए अधिकारी व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं आने दें। गहलोत ने मंगलवार को राजधानी से लेकर ब्लॉक स्तर तक की समीक्षा में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रबंधन में राजस्थान देश में एक मॉडल राज्य के रूप में सामने आया है और देश दुनिया में हमारे प्रयासों की सराहना भी हुई है, लेकिन त्योहारी सीजन, सर्दी के मौसम व प्रदूषण के कारण अगले 3 महीने महामारी के दृष्टिकोण से बेहद चुनौती भरे हो सकते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन, चिकित्सा व अन्य संबंधित विभाग पहले की तरह ही आगे की समन्वय तथा पूरी क्षमता के साथ प्रबंधन करें, ताकि आने वाले दिनों में महामारी की स्थिति विस्फोटक न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली सहित कई देशों में दूसरे चरण में कोरोना वायरस संक्रमण काफी तेजी से फैला है। कई देशों में दोबारा लॉकडाउन भी लगाना पड़ा। हमारे देश में भी आने वाले समय में संक्रमण बढ़ने की आशंका है। इसे देखते हुए संबंधित अधिकारी सभी जिलों में पहले से ही तमाम आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ले, ताकि हमारे अब तक के प्रयास बेकार ना जाए और हम आगे भी महामारी से सफलतापूर्वक लड़ सके। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले मरीजों के उपचार में किसी भी तरह की कमी नहीं बरती जाएगी। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।